हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के स्टूडियो में आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ वैसे तो आप पढ़ के समझ गए होंगे थंबनेल टाइटल कि ये गुड न्यूज़ किस बारे में होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा आपसे जो NWR में अजमेर जयपुर दिल्ली रूट पर जो लास्ट इलेक्ट्रिक लोको से ट्रेन चलाई गई थी, वो थी आला हजरत एक्सप्रेस, आप सभी को पता होगा। और उसके बाद 1 मार्च को दिया गया था इंदौर दिल्ली सहरौला सुपरफास्ट एक्सप्रेस को BRC का WAP 7, जिसको सिर्फ एक ही बार इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलाया गया था। और उसके बाद कोई भी ट्रेन को मार्च के महीने में इलेक्ट्रिक लोगों नहीं दिया गया NWR के द्वारा। रात गई बात गई, फरवरी का मंथ जा चुका है और मार्च का मंथ भी जाने वाला है जल्दी, एक हफ्ते बाद। और अप्रैल के महीने में आपको बैक टू बैक इलेक्ट्रिक लोगों के साथ ट्रेनें देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहले लिस्ट जो है मैंने आपको बता दी थी, जो कि भरतपुर बांदीकुई के रास्ते जयपुर से होते हुए अजमेर की तरफ जाने वाली है। और बाकी जो ट्रेन है उनको भी अब NWR जो है वो इलेक्ट्रिक लोगों से चलाने की तैयारी कर चुका है। वैसे आपको पता हो कि अगर मार्च के महीने में ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोगों क्यों नहीं दिया गया, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि मदार से लेके अजमेर के बीच में जो है डबलिंग का कुछ काम चल रहा था, और उसी के कारण जो है कई ट्रेनों को वापस डीजल को दिया गया 21-22-23 तारीख को, अभी 21-22-23 मार्च को। इसलिए जो है जैसे दिल्ली से रोहिला पोरबंदर एक्सप्रेस है, मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस है, मोतिहारी एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं अपन, और भी कई ट्रेनें हैं दिल्ली से लेकर अजमेर के बीच में जिनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल सकता था, लेकिन उनको डबलिंग के कारण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं दिया गया। अब क्योंकि अजमेर से लेकर ब्यावर तक पूरा डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको अप्रैल के मंथ से बैक टू बैक अजमेर दिल्ली रूट पर जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन मिलने वाली हैं। और जिसमें से आज एक ट्रेन की नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुकी है, वो ट्रेन है नई दिल्ली से लेकर अजमेर के दुरई के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 10 अप्रैल 2021 से इसकी सर्विस वापस चालू होने वाली है। और इस ट्रेन को जो है फर्स्ट डे आफ्टर लॉकडाउन या फिर फर्स्ट रन आफ्टर लॉकडाउन कहें तो इसको इलेक्ट्रिक लोको लेके आने वाला है, ये अब डीजल लोको के साथ नहीं आने वाले, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरे लिए बुरी खबर पर्सनली इसलिए क्योंकि मैं इस ट्रेन को एक बार लास्ट बार डीजल लोको के साथ कैप्चर करना चाहता था, जो कि मैं नहीं कर पाया। कभी ना कभी तो होना ही था, आज नहीं तो कल से इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलना ही था। तो एनीवेज, आपको इसके फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको रन की वीडियो मेरे चैनल पे जरूर 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 मिलने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इसके फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको रन की वीडियो देखनी है तो। और इस ट्रेन की सर्विस रेज्यूम होने का और इसको इलेक्ट्रिक लोको मिलने का आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस में। और आपको मिलने वाली है इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको रन की वीडियो अजमेर से भी, नई दिल्ली से भी, तो दोनों वीडियो जो है आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको कोई सवाल और सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।